नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रभूषण कुमार। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करेंगे। हालांकि आधार कार्ड को अपडेट कैसे करना है, इस पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम लिंक कैसे करेंगे। उस वीडियो में जो हम बताए थे उसमें हम बताए थे कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई अपडेट कर सकते हो, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, उसके बाद आपका एड्रेस, फादर्स के नाम, जो भी है वो अपडेट कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आधार कार्ड में हम मोबाइल नंबर लिंक कैसे करेंगे। घर बैठे ही एकमात्र लीगल तरीका है जो कि इस वीडियो में बताएंगे, उस तरीका से ही आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके वेबसाइट पे आ सकते हो। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडियन रेसिडेंस है तो सिंपली आपको इस पे टिक रहने देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे इंटर ओटीपी, आपको यहाँ पे ओटीपी भरना होगा, उसके बाद सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग ओटीपी भर के सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं न्यू इनरोलमेंट का। अगर आप लोग नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट आधार पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो हमको यहाँ पे अपडेट आधार पे क्लिक करना है। अपडेट आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे नाम भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है। जो भी आपका नाम है वो नाम आप लोग भरेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बेस्ड अपडेट है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स बेस्ड मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस्ड तो आप लोग आधार अपडेट करना चाहते हो तो इस पर आपको टिक रहने देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम और आधार नंबर भरेंगे, उसके बाद इंडियन रेसिडेंस पे टिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, अब आप लोग अपने आधार कार्ड में क्या चीज़ अपडेट करना चाहते हो। जैसे आप लोग अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करना चाहते हो तो इस पर टिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में जेंडर अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक करना है। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है। अगर आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे तो आपको इस पर टिक करना है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे टिक रहने देना। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी भी लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग इस पे टिक कर दोगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, मोबाइल नंबर पे टिक कर देंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो हमारे सामने ओपन होकर आ चुके हैं, जैसे नाम, आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर। अगर आप लोग इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे एडिट करके एडिट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मोबाइल गलत लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे रेसिडेंस टाइप तो इंडियन रहेंगे ही, उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर भी गलत मोबाइल नंबर लग रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है इस पे टिक करना है, उसके बाद हमको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे है योर एप्लीकेशन हैज बी क्रिएटेड, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है, ये नंबर आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, कहीं पर भी आप लोग इस नंबर को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना रिसिप्ट आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम रिसिप्ट दिखा देते हैं कि किस तरह का यहाँ पे रिसिप्ट होगा। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे रिसिप्ट जो आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है। आप लोगों को इस तरह का आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। इसे आप लोग प्रिंट भी कर लोगे, ये जो मिला है इसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के नज़दीक में जो भी सेंटर है उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पे पिन कोड अपना फिल कर देंगे।
तो जैसे आप लोग पिन कोड भर के यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार सेंटर मिल जाएंगे। आप लोगों को जो भी आपके नज़दीक में आधार सेंटर होंगे वो आ जाएंगे। आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी टाइम में आप लोग उस आधार सेंटर में जाना चाहते हैं वो टाइम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 10:30 बजे जाएंगे, जो भी ग्रीन टिक होगा, ग्रीन डेट, जैसे 26 तारीख को कोई डेट ही नहीं है, 27 तारीख को ग्रीन है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे इस आधार सेंटर पे जाना है, इसका मैप और इसका एड्रेस आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होगा, आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आधार सेंटर नहीं जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा। कोई भी ऐसा अभी आईडी नहीं बना हुआ है जिसके कारण आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आप लोग अपने आधार कार्ड में किस तरह से मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।